नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। मेरठ से जो तस्वीरें सामने आई हैं सच में हैरान कर देने वाली हैं। कोरोना इस कदर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है कि मरीजों से अस्पताल और लाशों से शमशान पटे पड़े हैं। यकीन मानिए और ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। हालात तो ये हैं कि जो लोग कोरोना के चलते मौत के आगोश में समा रहे हैं, उन्हें तो शमशान में चिता भी मयस्सर नहीं हो रही है। आलम यह है कि शमशान घाट में चिताओं को फर्श पर रखकर ही जलाना पड़ रहा है। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर मेरठ के सूरजकुंड इलाके की है। कोरोना से हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर जगह नहीं मिल रही। ऐसे में अनेक कोरोना पीड़ितों के शव का संस्कार जमीन पर ही कराया जा रहा है। ये हालात देखने को मिल रहे हैं मेरठ के सूरजकुंड शमशान घाट पर। कोरोना की इस लहर का जिस तरह से लोगों के जीवन पर कहर पड़ रहा है, उससे शमशान घाट के फर्श पर और प्लेट भी लगातार तपिश की वजह से खराब होती जा रही है। 24 घंटे शवों का संस्कार होना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। शमशान घाटों पर कोविड के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म भी कम नजर आ रहे हैं। सर, स्लैब यहाँ पर बॉडी बहुत आ रही है, तो इस चक्कर में ये प्लेटफॉर्म कम होने की वजह से नीचे जलानी पड़ रही है। तो इस वजह से कल हमें आदेश हुए हैं नगर निगम से कि ये नए प्लेटफॉर्म बनाइए इसमें। अच्छा, अमूमन कितनी बॉडी पहले आती थी और अब कितनी आ रही है? सर, इसकी सही जानकारी तो मुझे है नहीं, मैं तो अभी 3-4 दिन से आ रहा हूँ। बाकी पहले ये अमूमन 10 से 15 के बीच में आती थी और अब क्वान्टिटी सब पड़ी है, मतलब 15 से 25 के बीच में भी आ रही है। कितने प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी? हमें 6 बनने हैं जी। कब तक बन के तैयार हो जाएंगे? ये परसों तक कर देंगे हम। क्या सर, मेरठ के सूरजकुंड में कोविड मरीजों के 4 प्लेटफॉर्म भी यहां अब कम नजर आने लगे हैं, जबकि 6 और प्लेटफॉर्म शमशान घाट में कोविड मरीजों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी जल्दी कर शमशान घाट में प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे या फिर इसी तरीके से लोगों का अंतिम संस्कार प्लेटफॉर्म न होने की वजह से जमीन पर ही होता रहेगा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए मेरठ से मनोवर चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।